नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकीए चोगामा की आवाज। जनपद मुजफ्फरनगर के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित त्यागी भवन पर त्यागी सभा के द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों का कार्यक्रम आयोजकों के द्वारा फूल माला पहनाकर एवं बटका पहनाकर स्वागत किया गया। त्यागी सभा के अध्यक्ष हरिओम त्यागी के द्वारा संबोधित करते हुए सभी को कहा कि हम सभी को अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही हम किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं और आगे कहा कि जो इस समय का माहौल है उसमें हमें अपनी बहन बेटियों को शिक्षा की ओर ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करना चाहिए। आज का कार्यक्रम त्यागी समाज की ओर से मेधावी बच्चों को पुरस्कार देना और उनका प्रोत्साहन करना है। इसके पीछे जो हमारे समाज के अच्छे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए उन बच्चों का एक प्रोत्साहन देना उन्हें और मेधावी बच्चों को इनाम पुरस्कार दिया जाएगा समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा। और जो हमारे समाज का गौरव है, हमारे समाज में बड़ा नाम जिनका डॉक्टर सुधीर त्यागी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपलब्ध हैं और हमारे समाज के गौरव उद्योगपति वर्ल्ड के दूसरे नंबर तीसरे नंबर की इंडस्ट्री चला रहे जो सुरेश त्यागी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं समाज में। आज त्यागी सभा जनपद मुजफ्फरनगर फ्रेंड्स कॉलोनी पर जो हमारे मेधावी बच्चे हैं यूपी बोर्ड के 75% और उससे ऊपर के और CBSE बोर्ड के 80% और उससे ऊपर के हाई स्कूल और इंटर के जितने भी बच्चे हैं उन सबको सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे समाज के आइकॉन हैं डॉक्टर सुधीर त्यागी, वो मुख्य अतिथि हैं, सुरेश त्यागी जी गोल्ड प्लस MD वो मुख्य अतिथि हैं, सुनील त्यागी जी हैं हमारे कॉलोनाइजर और ये हमारे मुख्य अतिथि हैं। और हम यही चाहते हैं कि बच्चे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से अभी अब हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों की बहुत संख्या है जो फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं, मैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे उम्मीद करता हूं कि अगले साल हमें इससे भी ज़्यादा बच्चों का को प्रोत्साहित करने का मौका मिले, इसलिए ये प्रोग्राम किया गया है।